हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? चलें जी। तो हम ये कह रहे थे कि आपने इसमें ये कहा कि आपके पास 31 दिसंबर 2015 के 4 मंथ्स ऐसे थे जिनकी अभी तक आपने रिकॉर्डिंग नहीं की हुई थी, राइट? प्री पेमेंट की रिकॉर्डिंग नहीं की हुई थी, ये प्रीपेड है। आपको ये बात पता है कि ये प्रीपेड है, इसका कैरेट डाउन क्रेडिट साइड पे आना चाहिए, राइट? जब तक आपको ये बात याद नहीं होगी, आप इस चीज को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो ये बात तो मस्त है कि आपको पता होना चाहिए कि प्री पेमेंट का कैरेट डाउन कहाँ पे आएगा, अक्रूअल का कैरेट डाउन कहाँ पर आएगा, राइट? आपने कैलकुलेशन की और एज इट इज वो वाली फिगर यहाँ लिख दी, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड पे आना चाहिए। जो रिमेनिंग इसका 1,50,000 था, उसके बारे में हमने क्वेश्चन के पढ़ते हुए डिस्कस कर लिया कि ये 1,50,000 पेमेंट भी हुई हुई है और बेनिफिट भी यूटिलाइज्ड है टाइम के बेसिस पे, राइट? वक्त गुजर गया, 31 अगस्त 2015 पे आप खड़े हुए, ये 4 महीने जिनकी ये पेमेंट हुई हुई थी वो भी गुजर गए, तो हम कहेंगे उनका भी बेनिफिट यूटिलाइज हो गया। तो ये जो अपेरेंटली प्री पेमेंट थी 1,50,000 की, अब ये एक्सपेंस में कन्वर्ट हो चुकी, हमने इसको एक्सपेंस के ही अकाउंट में डेबिट साइड पे रखना है, इसको निकालना नहीं है 1,50,000 को, राइट? सिर्फ 1,66,11,66,67 को निकालना था, तो वो हमने निकाल दिया। जब हमने ये काम कर लिया, तो हमें ये पता लगा कि एक्चुअली जो एक्सपेंस आना चाहिए, वो जो एक्चुअली एक्सपेंस आना चाहिए एसओसीआई में, जो एक्सपेंस आउट होनी चाहिए फिगर, वो होनी चाहिए 38,333, राइट? ये काम हो गया, हमने स्टेश रेट्स का भी अकाउंट कंप्लीट कर लिया और हमें पता लग गया कि ये फिगर जाएगी करंट लाइबिलिटीज में अक्रूड रेट्स के नाम से, और ये फिगर जाएगी किधर? एसओसीआई में रेट्स एक्सपेंस के नाम से, ठीक है? या सिंपली रेट्स लिख देंगे अदर एक्सपेंसेस में। आखिरी आपके पास आता है वेजेस एंड सैलरीज, 31 अगस्त एज पर ट्रायल बैलेंस वेजेस एंड सैलरीज की अमाउंट कितनी है? 3.4 मिलियन, 3,400,000, 3.4 मिलियन आपकी अनएडजस्टेड अमाउंट है, जिसमें अभी भी क्या है कि 1,40,000 वर ओड टू एम्प्लॉइज एट द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 2015। तो ये जितनी भी हमें एडजस्टमेंट्स दी हुई है, ये सारे आइटम्स हैं जिनको अभी तक हमने अकाउंट फॉर करना है, राइट? इसका मतलब ये कि इनमें से किसी की भी एडजस्टमेंट्स पास नहीं हुई हुई। अदर इंफॉर्मेशन में, अदर एडजस्टमेंट्स में जो नॉर्मली आपको इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, वो काम अभी करना बाकी होता है, ठीक है? तो 1,40,000 का भी हम कहेंगे कि अभी इसकी रिकॉर्डिंग करना बाकी थी। 1,40,000 को हमने कह दिया कि क्या है, हमारा कैरेट डाउन है, क्योंकि ये लाइबिलिटी है, राइट? ये पैसे हमें अभी इनको देने हैं, ओड टू एम्प्लॉइज थे, हमें पता है कि ये लाइबिलिटी है, इसका कैरेट डाउन आना चाहिए डेबिट साइड पे। हमने ये काम किया, दोबारा से इस अकाउंट को उसी तरीके से क्लोज करेंगे। 31 अगस्त को जो हमारी एसओसीआई की फिगर आएगी, वो हमारी होगी, एसओसीआई वो हमारी होगी 3,540,000 बैलेंसिंग फिगर, राइट? तो इस तरह से हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड मैच कर गया। क्लियर हो गई बात? तो आपके पास इस तरह के भी सवाल हो सकते हैं, और ये काफी सिंपल सवाल है। अभी तक सो फार पास पेपर्स में तो एटलीस्ट मुझे कोई मुश्किल सवाल इस तरह का अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट से रिलेटेड नजर नहीं आया, ठीक है? तो काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस इसी तरह से आपने इसको लेके चलना होता है, इसी तरह से सारे सॉल्व होते हैं, राइट? एक और सवाल कर ले, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर ले जी। मोहसिन और जवाब जी, मोहसिन जवाब ने तो ओके कर दिया, आप बताएं, कर ले? जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़े से ट्विस्ट्स हैं, इसको अगर आप देख रहे हो तो ये दो पार्ट्स में, ठीक है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छी बात है ना, इसीलिए मैंने दो दो घंटे की क्लासेस रखी हुई है कि आप लोगों की कोई और ऑनलाइन क्लास हो रही है इकोनॉमिक्स वगैरह की? नहीं हो रही ना मेरे ख्याल से। तो हम लोग का वैसे ही सेक्शन थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, तो अच्छी बात है, हम इसको इसमें फिर कवर कर लेंगे ताकि एंड में हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है?
इस हफ्ते के बाद इंशाल्लाह आप लोग मेरे रेगुलर सेक्शन के इक्वल आ जाओगे, हो सकता है उससे भी आगे चले जाओ, इनफैक्ट आगे जा चुके हो अभी। क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम कर लेंगे तो वी विल बी अहेड ऑफ देम। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 4A में देखते हैं। अब ये हमारा शुरू हो रहा है क्या, इनकम का। ठीक है, एक्सपेंसेस का जितना हमने करना था वो हमने कर लिया, राइट। अब हमारा पोर्शन स्टार्ट हो रहा है एक्सपेंस इनकम का, और आगे जाके फिर हम मिक्स को भी देखेंगे कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन के अंदर मिक्स चीजें आ जाए तो हमने किस तरह से उनको पिक करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। उमेर लेट आउट एन ऑफिस बिल्डिंग फॉर रेंट टू टेनेंट्स। अब क्या हो रहा है, उमेर के पास एक बिल्डिंग थी, वो किसी और को बिल्डिंग दे रहा है, और किसके अगेंस्ट दे रहा है, रेंट के अगेंस्ट दे रहा है। तो अगर आप किसी को कोई बेनिफिट देते हो तो आपको क्या रिसीव होता है, आपको फिर इनकम रिसीव होती है ना। आप बेनिफिट दे रहे हो और पेमेंट रिसीव कर रहे हो, यानी कि पैसे रिसीव कर रहे हो, यानी कि इनकम रिसीव कर रहे हो, इनकम अर्न कर रहे हो। क्लियर होगी बात। अब ये इनकम का सिचुएशन हो गया। उमेर लेट आउट एन ऑफिस बिल्डिंग, बिजनेस की बिल्डिंग को उसने रेंट आउट किया, यानी कि बिजनेस का रेंटल एक्सपेंस इनकम आ रहा होगा, फॉर रेंट टू टेनेंट्स फ्रॉम 1 मार्च 2014। अब आगे बता रहा है, पर मंथ रेंट अमाउंट्स टू ₹1,50,000। एज पर द रेंट अग्रीमेंट उमेर रिसीव सेमाई एनुअल पेमेंट्स, यानी कि 6 महीनों की इकट्ठी पेमेंट इन एडवांस, द फर्स्ट वन बीइंग मेड ऑन 1 मार्च 2014। तो क्या हुआ, उमेर ने 1 मार्च 2014 को बिल्डिंग रेंट आउट की, और उसने 1 मार्च 2014 को ही अगले 6 महीनों की पैसे की रेंट रिसीव कर लिया। नॉर्मली रेंट जो है ना वो एडवांस में ही उसकी पेमेंट चलती है, या तो आप एडवांस में उसकी पेमेंट करोगे या आपको मिलेगी, जाहिर सी बात है। द फर्स्ट वन बीइंग मेड ऑन 1 मार्च 2014। अब उमेर अकाउंटिंग ईयर एंड इज ऑन 30th नवंबर। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है, सही है। हाँ मैं लिखवाती हूँ, मैं लिखवाती हूँ, बिल्कुल मैं लिखवाती हूँ भी। अब रिक्वायर्ड क्या है, इसमें भी हमें सिंगल अकाउंट मेथड और टू अकाउंट मेथड में करना है। यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैलकुलेट द रेंटल इनकम टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ उमेर फॉर द ईयर एंडेड 30th नवंबर 2014 एंड द अमाउंट टू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एज ऑन दैट डेट, मेंशनिंग द हेडिंग अंडर विच द अमाउंट विल अपेयर इन SOFP। यानी कि आपको ये बताना है कि वो करंट एसेट में जाएगा या करंट लाइबिलिटी में जाएगा, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, एक्सपेंस के केस में अक्रूवल क्या होता है, करंट लाइबिलिटी में जा रहा होता है, राइट। एक्सपेंस के केस में ये आपका है करंट लाइबिलिटी, और प्री पेमेंट क्या होती है, करंट एसेट होता है ना, क्योंकि नॉर्मली अगले ही 2-4 महीनों में ये एसेट एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाता है, अगले ही 2-4 महीनों में इस लायबिलिटी की पेमेंट हो जाती है, तो इसलिए ये करंट ही रहती है, नॉन करंट नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ये तो अब आपका एक्सपेंसेस के केस में था, अब इनकम्स के केस में देखते हैं। अच्छा, इनकम क्या होती है और लायबिलिटी क्या होती है, पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, हमने ये वाली डेफिनेशन तो पढ़ ली थी, पेमेंट येट टू बी मेड। अब लायबिलिटी को हम एक और तरीके से भी देखते हैं। जैसे एक्सपेंस के केस में भी क्या था, पेमेंट येट टू बी मेड, के आपने बेनिफिट तो एंजॉय कर लिया था लेकिन आपने उसकी पेमेंट नहीं की थी, अभी तक आपको पेमेंट करनी है। अब इसकी एक और डेफिनेशन भी देखते हैं। लायबिलिटी के केस में अनअर्न्ड इनकम, यानी के या तो आपने पेमेंट अभी करनी है, या आपने पैसे ले लिए हैं और सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया। इनकम के केस में आप बेनिफिट प्रोवाइड करते हो, राइट, सर्विसेज देते हो। क्लियर हो गई बात। ये बिल्कुल लेमैन टर्म्स में, वैसे समझाने के लिए।
ठीक है, तो अनअर्ड इनकम में क्या है कि यू हैव रिसीव्ड द पेमेंट बट यू हैवंट प्रोवाइडेड द सर्विसेज येट, उसको कहते हैं अनअर्न्ड इनकम। ये भी मैं सिखाती हूँ, मैं चार्ट बनाती हूँ उसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ, राइट। ऑन दी अदर हैंड आपकी इनकम क्या होती है जहां पे आपने सर्विसेज हैव बिन प्रोवाइडेड ऑलरेडी, है ना। जैसे ही आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी, जिस तरह मैं अगर आपको ये कहूं, जैसे ही आपकी अर्निंग हलाल हुई, हलाल कब होगी जब आप वो सर्विसेज अपने पार्ट पे कंप्लीट कर दोगे, बेनिफिट अपने पार्ट पे पूरा का पूरा डिलीवर कर दोगे सामने वाली पार्टी को, और आप ये कह दोगे कि अब मेरा इस कमाई के ऊपर राइट स्टैब्लिश हो गया, मेरा हक बन गई ये राइट, राइट इनकम, राइट। तो जैसे ही मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको रेंट पे दी बिल्डिंग और मैंने आपको कहा कि जी पूरा महीना गुजर गया है, अब मेरे उस महीने की कमाई के ऊपर उस महीने का रेंटल इनकम जो है अब वो मेरा हक बन गया है। क्यों? क्योंकि आपने मेरी बिल्डिंग को अपने यूज में ले आ चुके हो, आपने एक महीना मेरी बिल्डिंग को इस्तेमाल कर लिया, अब आप मुझे इसके पैसे दो। क्लियर है? तो एक पार्ट पे क्या हो जाएगा, मैं ये कहूंगी कि अब ये एक महीने का जो रेंट है वो मेरी इनकम में कन्वर्ट हो चुका, क्योंकि मैंने आपको एक महीने का बेनिफिट दे दिया। अगर मैंने आपसे आज के दिन पैसे ले लिए और अभी तक आपको बेनिफिट मिला नहीं है, तो वो मेरी इनकम नहीं होगी, वो मेरी होगी लायबिलिटी। क्लियर होगी बात? सही है। अब इसके लिए उसी तरह से चार्ट नोट कर लेते हैं। अगर तो आपने बेनिफिट दे दिया, और उसके अगेंस्ट पेमेंट भी रिसीव कर ली, इसके आगे भी ऐसा है, अगर आपने बेनिफिट भी दे दिया उसके अगेंस्ट पेमेंट भी रिसीव कर ली, तो इसके अंदर होगा इसके अंदर थोड़ी टर्मिनोलॉजीज डिफरेंट हो जाती हैं। इसमें एक टर्मिनोलॉजी आपकी डिफरेंट हो जाएगी, नो अनअर्न्ड इनकम और अक्रूड इनकम, ठीक है। अभी आप फॉर द टाइमिंग इसको ये लिख लें, मैं फिर आपको टर्मिनोलॉजीज बता दूंगी। अगर आपने बेनिफिट दे दिया है और उसके अगेंस्ट पेमेंट आपको अभी तक रिसीव नहीं हुई, तो इसका टर्म हम देते हैं अक्रूड इनकम, और ये हमारा करंट एसेट होता है, रिसीवेबल होता है, ठीक है। हमारा रिसीवेबल हो गया ना, कि मैंने बेनिफिट दे दिया और मुझे पैसे नहीं मिले, तो ये मेरा एसेट है, मेरा रिसीवेबल है, और इसको हम प्रीपेड इनकम नहीं बोलते, इसको हम अक्रूड इनकम बोलते हैं। अक्रूड एक्सपेंस क्या होता है? अक्रूड आपका एक्सपेंस होता है लाइबिलिटी, राइट, करंट लाइबिलिटी होती है। अक्रूड इनकम क्या होती है? आपकी करंट एसेट होती है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो यहां पे अगर इनकम का आप अक्रूवल बुक कर रहे हो, इसका मतलब है आपने एसेट रिकॉर्ड करना है। एक्सपेंस का अक्रूवल बुक करना यानी के लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है। क्लियर हो गई बात? ये शुरू में थोड़ा मसला होगा, लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके ये आपके सारे फिंगर टिप्स पे मौजूद होगा। अगर आपने बेनिफिट नहीं दिया और पेमेंट रिसीव कर ली, तो इसको हम कहते हैं अनअर्न्ड इनकम। ऐसी इनकम जिसके ऊपर मेरा अभी तक राइट एस्टैब्लिश नहीं हुआ, मैंने वो इनकम सही मानों में अभी तक अर्न नहीं की, और ये मेरी होती है करंट लाइबिलिटी। क्लियर है बात? ठीक है। तो एक्सपेंस के केस में अक्रूवल लाइबिलिटी होती है, इनकम के केस में अक्रूवल एसेट होता है। इनकम के केस में लायबिलिटी को कहते हैं अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो कि अभी तक हलाल नहीं हुई, अभी तक आपने सही मानों में अर्न नहीं की, ठीक है। क्लियर होगी बात? चलो देखें इसको, सवाल को देखें जी। मोहसिन क्लियर है बच्चे? चले जी, तो अब आपके पास ये सिचुएशन है।
अब पहले हम इसको अगेन सिंगल अकाउंट मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिंगल अकाउंट मेथड से सॉल्व करने के लिए नहीं, पहले आप सिंगल, चले पहले पहले टू अकाउंट मेथड से कर लेते हैं हमेशा की तरह, ठीक है। टू अकाउंट मेथड से ही करते हैं ताकि हमारा वो फ्लो वगैरह चलता रहे। रिपीट कर रही हूँ, अभी हम इनकम के ऊपर आ गए, ठीक है जी। अच्छा, इसमें भी क्या करना है, इसमें भी आपने पेमेंट रिसीव की कौन सी डेट पे, 1 मार्च 2014 से, तो आपने बैंक के अंदर पैसे तो आते हुए दिखाने, कौन सी डेट को दिखाने, ट्रांजैक्शन हो किस किस डेट को हो रही है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कब हो रही है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आपकी हो रही है 1 मार्च 2014 को, आपका अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 30 नवंबर को, यानी कि ये शुरू कब हुआ होगा बताइए जरा। अकाउंटिंग ईयर पूरा का पूरा कब से कब तक का होगा, अगर अकाउंटिंग ईयर एंड है वो 30 नवंबर 2014 की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। यानी कि हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था 1 दिसंबर 2013 को और ये एंड हो रहा है 30 नवंबर 2014 को। पहली पेमेंट हमें रिसीव कब हो रही है, 1 मार्च 2014, हर 6 महीने बाद इन एडवांस हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो पहली पेमेंट हम रिसीव कर रहे हैं 1 मार्च 2014 को, हमारे ये अकाउंटिंग ईयर में फॉल करता है, बिल्कुल फॉल करता है, हमने इसकी रिकॉर्डिंग कर देनी है। उमेर के बिजनेस ने रेंट रिसीव किया, पर मंथ रेंट कितना था, 1,50,000, कितने महीने का उसने पेमेंट रिसीव किया, सेमी एनुअल यानी के 6 मंथ्स, तो हमने क्या किया, बैंक को डेबिट कर देना है, 1,50,000 पर मंथ है, 6 महीने का आपने रेंट इकट्ठा ही रिसीव कर लिया बिजनेस के बैंक अकाउंट में। क्रेडिट क्या करेंगे, इनकम क्रेडिट कर दी हमने, राइट, 900,000 से। क्लियर होगी बात, हाँ जी, क्लियर है ना। आपने बैंक को डेबिट किया और आपने इकट्ठा क्या कर दिया, इनकम को क्रिएट कर दिया। अब इसमें से कितना इनकम वाकई में अर्नड है नहीं है, वो हमने साल के आखिर में देखना है, हमने क्लोजिंग की डेट पे देखना है कि अच्छा अब हम इसमें से देखते हैं कि कोई अनअर्नड इनकम तो नहीं है, कोई अक्रूड इनकम तो नहीं है, है तो उसकी अकाउंटिंग इकट्ठी कर लेते हैं। बीच में क्या हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमने बस सीधा सीधा पेमेंट रिसीव करने की रिकॉर्डिंग कर देनी है, बैंक को डेबिट करके इनकम को कर देना है क्रेडिट। क्यों जाए हम इतनी उसमें, इतनी बारीकियों में अभी हम क्यों जाए, जब हमें काम करना ही साल के आखिर के लिए है, तो हमें उससे पहले क्या हो रहा है, हमने उसमें अक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम को नहीं ढूंढना। क्लियर होगी बात। तो 1 मार्च 2014 को आपने कितने महीनों की पेमेंट कर दी, पेमेंट रिसीव कर ली, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। तो ये 6 महीनों की पेमेंट आपने 1 मार्च 2014 को ही रिसीव कर ली। अगली पेमेंट कब आपने रिसीव करनी है, फिर 6 महीने खत्म हो गए 31 अगस्त को, तो अब पार्टी सामने वाली आपको अगली पेमेंट कब करेगी, 1 सितंबर को, है ना। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 31 अगस्त, 6 महीने खत्म, अगली पेमेंट अगले ही दिन हमें मिल जाएगी 1 सितंबर को। 1 सितंबर हमारे अकाउंटिंग ईयर में फॉल करता है क्या, हमने इसकी रिकॉर्डिंग इस साल करनी है, अभी हम इसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं ना इस साल की जी, 1 सितंबर की डबल एंट्री पास करनी है इस अकाउंटिंग ईयर में, बिल्कुल करनी है। हम दोबारा से क्या करेंगे, 1 सितंबर 2014 को अब हमने डबल एंट्री उसी तरह से पास करनी है, बैंक डेबिट, रेंटल इनकम, रेंट इनकम, क्रेडिट कितने से, ये भी 6 महीने की हुई होगी पेमेंट हमें, है ना, 6 महीने की हमें पेमेंट रिसीव हुई होगी, तो उसी 9 लाख रुपीज से आपने इसको डेबिट कर दिया और रेंटल इनकम को क्रेडिट कर दिया, ठीक है जी, यहां तक क्लियर है। अब क्या हुआ, अब अगली पेमेंट हमें कब मिलेगी, ये जो सितंबर, 1 सितंबर को आपने पेमेंट रिसीव की है, ये है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हाँ
हाँ जी, तो ये आपके इन 6 महीनों की पेमेंट आपने रिसीव कर ली 1 सितंबर 2014 को। अब आपको अगली पेमेंट कब रिसीव होगी? 28 फरवरी 29 फरवरी को आपकी आखिरी पेमेंट की टर्म खत्म हो गई, राइट? पेमेंट की टर्म खत्म हो गई। अगली पेमेंट कब होगी? 1 मार्च 2015, ठीक है? 1 मार्च 2015, वेरी गुड। अब 1 मार्च 2015 क्या आपके अकाउंटिंग ईयर में फॉल करता है? नहीं, ये अगले अकाउंटिंग ईयर में फॉल करता है ना, 1 मार्च 2015। तो अब इसकी अकाउंटिंग तो हमने नहीं करनी, इसकी पेमेंट हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे। अब हम क्या करेंगे? अब बीच में क्या आ गया? आपके बीच में आ गया नवंबर का महीना खत्म हो गया, और नवंबर के एंड पे क्या हो गया? ईयर एंड आ गया। अब हम टू अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो 30 नवंबर 2014 पे खड़े होके हम ये कहेंगे हमने 9 लाख की रेंटल इनकम बुक की हुई है, ठीक है? पैसे हमने रिसीव कर लिए थे, लेकिन अभी हम कौन से महीने तक हमने क्रॉस किया? हमने अब नवंबर के महीने सिर्फ क्रॉस किए, सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर जनवरी और फरवरी की हमने पैसे ले लिए हैं, और अभी तक बेनिफिट सामने वाली पार्टी ने नहीं लिया क्योंकि टाइम ही नहीं गुजरा। तो वो हमारी क्या बन गई? वो हमारी अनअर्न्ड इनकम बन गई। अब हमने ये कहना है कि 3 महीनों की, दिसंबर जनवरी और फरवरी की अमाउंट हमने रेंटल इनकम से निकाल के किसमें डाल देनी है? अनअर्न्ड इनकम के अंदर उसका हमने लायबिलिटी बुक कर लेना है। लायबिलिटी क्यों बुक कर लेना है? क्योंकि हमने उनसे इन अगले 3 महीनों के पैसे रिसीव कर लिए हैं, सर्विसेज अभी दी नहीं है, राइट? तो हमारे सर पे अभी तलवार लटक रही होगी ना कि हमने अभी तक इनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, हमने इनको अगले 3 महीने भी बिल्डिंग इस्तेमाल करने के लिए देना है। अगर हम आज के दिन इनको बोलते हैं जाके 30 नवंबर को कि हमारी बिल्डिंग खाली करो, तो हमें उनके ये एक्स्ट्रा पैसे वापस करने होंगे क्योंकि इन पे हमारा अभी तक कोई हक नहीं बना। क्लियर हो गई बात? तो अगर किसी के पैसे आपके पास पड़े हुए हो जो कि आपकी आपका हक नहीं हो, तो वो आपकी क्या होती है? लायबिलिटी होती है, राइट? क्लियर हो गई ना बात? तो अब हमें क्या करना है? अब हमें टू अकाउंट मेथड में, आपको पता है कि साल के आखिर में आपने कोई डबल एंट्री पास करनी होती है, तो हमने डबल एंट्री अब ऐसी पास करनी है कि हमने रेंटल इनकम से एक अमाउंट निकाल के लायबिलिटी में कन्वर्ट कर देना है, राइट? और वो अमाउंट कितनी होगी? वर्किंग करेंगे 9 लाख। कितने महीनों की पेमेंट थी? 6 महीनों की पेमेंट, जिसमें से 3 मंथ्स यानी कि दिसंबर जनवरी और फरवरी आपके आपने पहले ही उनके पैसे रिसीव कर लिए थे, यानी कि 4,50,000 आपकी इनकम सही मानों में थी नहीं। वो क्या थी इंस्टेड? वो थी आपकी लायबिलिटी। क्लियर हो गई बात? तो आपने आखिरी दिन क्या किया? ये डबल एंट्री पास कर दी ताकि अब वो इनकम से निकल के किसमें चला जाए? लायबिलिटी के अंदर। क्लियर हो गई बात? सही है जी? चले जी, जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह। टू अकाउंट मेथड है, साथ ही हम इनके अकाउंट्स भी बना लेते हैं, बस यही तक रखेंगे आज, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रखेंगे ताकि ये ना हो कि टू मच हो जाए। इंटरेस्टिंग है वैसे ये, है ना? चलें जी, तो रेंटल इनकम के अंदर सबसे पहले आपके पास डबल एंट्री आ रही है 1 मार्च 2014, 1 सितंबर 2014 को, ठीक है? पेमेंट जब आपको रिसीव हो रही है, फर्स्ट क्रेडिट हो रहा है ना, रेंटल इनकम का अकाउंट बना रहे हैं, बैंक का अकाउंट नहीं बना रहे, रेंटल इनकम क्रेडिट होना है 1 मार्च और 1 सितंबर को, 1 मार्च 2014, 1 सितंबर 2014, 1 सितंबर 2014, बैंक बैंक 9 लाख, और 9 लाख, सही है?
फिर आखिरी दिन आपने क्या डबल एंट्री पास की, क्लोजिंग की डेट पे आपने एक किस्म का ये लाइबिलिटी की क्रिएशन आपने कर ली, आपने इसको अनअर्न रेंटल इनकम में डाल दिया। आपने क्या डबल एंट्री पास की, रेंटल इनकम का अकाउंट 30 नवंबर 2014 को डेबिट हो रहा है अनअर्न इनकम अकाउंट अकाउंट के अगेंस्ट 4,50,000, ठीक है। और अनअर्न रेंटल इनकम आपका क्रेडिट हो रहा है 30 नवंबर 2014 को रेंटल इनकम के अगेंस्ट 4,50,000। अब क्या बारी आएगी, अब बारी आएगी क्लोज करने की, राइट। जब हम क्लोज करने जाएंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन होगा, हमारे पास एसओसीआई की बैलेंसिंग फिगर आएगी डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे क्यों आएगी, क्योंकि क्रेडिट साइड पे आपकी सारी इनकम है, क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा है, आपका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है डेबिट साइड पे। और ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, ये वाला 1,350,000 कैरेट डाउन नहीं है, एसओसीआई ही होगा, राइट। एसओसीआई है 30 नवंबर 2014, लेकिन इस अमाउंट का नेचर क्या है, 1,350 क्रेडिट बैलेंस है, वेरी गुड, ठीक है जी, क्रेडिट नेचर है इस अमाउंट का। चले जी, 1,350,000 क्लियर हो गया मोहसिन। तो आपने ये निकाल लिया कि आपकी जो एसओसीआई में अदर इनकम में रेंटल इनकम की अमाउंट जानी चाहिए, वो जानी चाहिए 1,350,000, ठीक है जी। इसी तरह अनअर्न रेंटल इनकम में आते हैं, अनअर्न रेंटल इनकम को जब हम क्लोज करते हैं तो हमारी बैलेंसिंग फिगर आ रही है अब डेबिट साइड पे, और वो बात हमें समझ भी आती है। क्या समझ में आती है, चार्ट देखेंगे तो अनअर्न इनकम आपको नजर आ रहा है एज अ करंट लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी अकाउंट का बैलेंस कैरेट डाउन आना चाहिए डेबिट साइड पे। ये काम भी हमने कर लिया, हमने ये क्लोज करके बैलेंसिंग फिगर्स भी निकाल ली और हमारा पहला साल हो गया कंप्लीट। क्लियर होगी बात, हाँ जी, यहां तक क्लियर है। अब हम आते हैं अपने अगले अकाउंटिंग ईयर में, 30 नवंबर 2014 को पिछला अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ, 1 नवंबर 2014 को अगला, 1 दिसंबर 2014 को अगला अकाउंटिंग ईयर शुरू हो गया, जो कि खत्म कब होगा, 30 नवंबर 2015 को। अब हम इस अकाउंटिंग ईयर में मौजूद है। अब जरा नीचे आते हैं, वही टू अकाउंट मेथड से ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4B में आए, ये अगले साल की कंटिन्यूएशन है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ऑन 28 फरवरी 2015 टर्म्स ऑफ द रेंट अग्रीमेंट वर चेंज्ड। हम 4A और 4B को इकट्ठा सॉल्व कर रहे हैं टू अकाउंट मेथड से। ऑन 28 फरवरी 2015 टर्म्स ऑफ द रेंट अग्रीमेंट वर चेंज्ड, उमेर नाउ अग्रीड, कहाँ गया, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये रहा, उमेर नाउ अग्रीड टू रिसीव क्वार्टरली पेमेंट्स ऑफ 5 लाख ईच। पहले वो क्या कर रहा था, सेमी एनुअल पेमेंट्स रिसीव कर रहा था, है ना, 6 महीने के इकट्ठी पेमेंट्स रिसीव कर रहा था। अब वो ये कह रहा है कि अब वो क्वार्टरली पेमेंट्स रिसीव करेगा, यानी कि 3 महीने की इकट्ठी रिसीव करेगा 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपी ईच है क्वार्टरली पेमेंट जो करेगा वो, मंथली पे अमाउंट नहीं है ये, है ना, ये अब हर क्वार्टर की पेमेंट बता रहा है। इंग्लिश पे भी जरा गौर करें, पहले पार्ट में उसने 1,50,000 पर मंथ रेंटल बता दिया था, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो क्वार्टरली पेमेंट्स होंगी वो होंगी 5 लाख ईच, ये नहीं लिखा हुआ 5 लाख पर मंथ, राइट। तो इसका क्या मतलब है, एक जो वो पेमेंट रिसीव करेगा वो कितने की करेगा, 5 लाख की करेगा, वो 5 लाख 3 महीनों का टोटल होगा, क्लियर है बात। अब वो कह रहा है द फर्स्ट पेमेंट वॉज रिसीव्ड ऑन 1 मार्च 2015, तो आप जरा इधर आए, पिछली जो पेमेंट हमने रिसीव की थी सबसे आखिरी, वो की थी 1 सितंबर 2014 को, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी 2015, राइट। अब जब ये पिछली पेमेंट हमारी एक्सपायर की हो गई, फरवरी 2015 पे एक्सपायर हुई ना, तो पिछली पेमेंट एक्सपायर होने के साथ ही उमेर ने क्या कर दिया, टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट को चेंज कर दिया। अब एक काम ये करते हैं, टू अकाउंट मेथड है, एक काम तो हम फौरन से कर लें, और वो क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपका
लाइबिलिटी अकाउंट है उसमें जो कैरेट डाउन आ रहा है, सबसे पहले उसको तो आप कर दें पहले ब्रॉड डाउन। 1 दिसंबर 2014 को आपने उसको कर दिया ब्रॉड डाउन, और साथ ही क्या करना है इसकी रिवर्सल एंट्री जो हम एक्सपेंसेस में भी करते आए हैं। 1 दिसंबर 2014 से लेके 30 नवंबर 2015 वाले अकाउंटिंग ईयर में सबसे पहली डबल एंट्री हमें क्या पास करनी है, पिछले दिन की, एक दिन पहले की रिवर्सल एंट्री। क्लियर है? एक दिन पहले कौन सा था? 30 नवंबर 2014, पिछले साल के क्लोजिंग पे जो हमने ये डबल एंट्री पास की है, हमने सबसे पहले इसकी तो करनी है रिवर्सल। अनअर्न्ड रेंटल इनकम डेबिट कर देना है 4,50,000 से, और रेंटल इनकम क्रेडिट कर देना है 4,50,000 से। क्लियर है बात? सबसे पहले तो हम इसकी रिवर्सल एंट्री पास करें ताकि हम टू अकाउंट मेथड के हिसाब से चलते जाएं। जी मोहसिन, आपको भी क्लियर है? तो पहले आपने ब्रॉड डाउन किया सबसे पहले, ये तो करना ही, ये तो नेचुरल चीज है। और दूसरा, फिर अब आपने डबल एंट्री पास कर दी, अनअर्न्ड रेंटल इनकम को कर देना है डेबिट 1 दिसंबर 2014 को, रेंटल इनकम कर देना है क्रेडिट 4,50,000, और यहां पे आपने इसको क्रेडिट कर दिया 1 दिसंबर 2014 को, अनअर्न इनकम 4,50,000। ठीक है जी, ये काम कर लिया। अब क्या हो रहा है, अब जरा दोबारा पढ़ते हैं। अब क्या हुआ, इस पीरियड के आखिरी दिन ये जो पेमेंट पिछली आपने की है, ये कब खत्म होगी? 28 फरवरी 2015 को, है ना? तो आखिरी दिन क्या हुआ, अब अगले दिन जो आपको नई पेमेंट रिसीव होनी है ना, उसके टर्म्स चेंज हो गए। अगली पेमेंट हमने क्या डिसाइड किया था, अगली पेमेंट हमें रिसीव होनी है 1 मार्च 2015 को। तो जब 1 मार्च 2015 को आपको पेमेंट रिसीव होनी है, आपने उसके टर्म्स चेंज कर दिया। अब क्या हो रहा है, द फर्स्ट पेमेंट वॉज रिसीव ऑन 1 मार्च 2015, जाहिर सी बात है कंटिन्यूएशन में वो पहली मार्च को पैसे तो मिलने ही है। अब वो किस टर्म पे मिले हैं आपको? 5,00,000 रुपए मिले हैं क्वार्टरली टर्म्स पे इन एडवांस, राइट? 1 मार्च 2015 को आपको पहली पेमेंट रिसीव हुई है अंडर न्यू टर्म्स। आपने 1 मार्च 2015 को क्या कर दिया, बैंक डेबिट कर दिया, रेंटल इनकम क्रेडिट कर दिया, कितने से? 5,00,000। क्लियर है? सही है? आपका ईयर एंड अभी तक नहीं आया, आप अपने फ्लो में चलते जाएंगे। अगली पेमेंट कब रिसीव होगी? 1 मार्च को रिसीव हुआ है, मार्च अप्रैल मई का। अगली पेमेंट कब मिलेगी मोहसिन? जी मोहसिन, अगली पेमेंट हमें कब मिलेगी? 1 जून, पक्की बात है? मार्च अप्रैल मई, 3 महीने खत्म, 31st में आखिरी दिन अगली पेमेंट मिलेगी 1 जून 2015 को। वेरी गुड, बैंक रेंटल इनकम 5,00,000, 5,00,000। फिर अगली पेमेंट कब मिलेगी? ठीक है, जवाब क्लियर है ना? जून जुलाई अगस्त, क्वार्टर खत्म, पहली पेमेंट हो मिलेगी। अब दोबारा अगली पेमेंट मिलेगी 1 सितंबर 2015 को। हमारे आपने चेक करते रहना है, हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म तो नहीं हुआ? आप जवाब देंगे नहीं, अभी तक नहीं खत्म हुआ, 1 सितंबर आई है अभी, राइट? आपने दोबारा से पेमेंट का रिसीट रिकॉर्ड कर दिया 5,00,000, उसी तरीके से रेंटल इनकम क्रेडिट 5,00,000। चलें जी, अगली पेमेंट कब मिलेगी? वेरी गुड, क्या डेट क्या है ये बताएं?
अब अगली पेमेंट कब मिलेगी? 1 दिसंबर। लेकिन 1 दिसंबर पे हमारा अगला अकाउंटिंग ईयर होगा। आप ये कहेंगे इस करंट अकाउंटिंग ईयर की सारी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड कर ली, राइट? अब एक काम ये करते हैं, इनको अपने टी अकाउंट्स में भी पोस्ट करते रहते हैं, ठीक है? करंट अकाउंटिंग ईयर में ये वाली डबल एंट्री आपने पोस्ट कर दी, ठीक है, 4,50,000 वाली। अब एक एक करके मार्च, जून और सितंबर की भी कर देते हैं। रेंटल इनकम क्रेडिट हो रहा है 1 मार्च 2015, सॉरी मैंने गलत, हाँ 15, 1 जून 2015 और 1 सितंबर 2015, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग कर ली। अब क्या हुआ? अब आपका आ गया ईयर एंड। चलें जी, अब बताएं 30 नवंबर पे जरा मुझे ये बता दें कि जो आपको आखिरी पेमेंट रिसीव हुई थी, क्या इसमें कोई अनअर्न इनकम है या कोई अक्रूड इनकम है? मोहसिन, ये 5 लाख कितने महीनों की थी? आपको पता है, आपने अब इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि हमने अक्रूवल या प्री पेमेंट के लिए अब आखिरी आइटम को ही पिक करना है। उससे पहले जितने आइटम्स होंगे वो सारे बिल्कुल ठीक होंगे। नो अक्रूवल, नो प्री पेमेंट, राइट? नो अक्रूवल, नो अनअर्न इनकम, राइट? तो अब 5 लाख में ही हो सकता है कोई इश्यू हो। अब जरा इसको देखते हैं, 5 लाख आपके कितने महीनों के पैसे आपने रिसीव किए थे? सेप्टेम्बर, अक्टूबर और नवम्बर। पैसे रिसीव कर लिए थे 5 लाख, और ये तीनों के तीनों महीनों का बेनिफिट भी आप प्रोवाइड कर चुके हो। यानी कि आपने कोई अक्रूवल, कोई अनअर्न इनकम बुक ही नहीं करना है ना। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा? आप ये कहोगे कि मैंने बेनिफिट भी दे दिया हुआ है, पेमेंट भी रिसीव कर दी हुई है। क्यों? क्योंकि मैं बेनिफिट प्रोवाइड करने के आखिरी दिन ही पे तो खड़ी हुई हूं। मैं 30 नवंबर पे ही खड़ी हुई हूँ, और ये बेनिफिट मैंने, इसी जो पेमेंट की थी, ये मैंने इन तीनों महीनों की थी। इससे ज्यादा महीनों की पेमेंट रिसीव की नहीं थी मैंने। तो सितंबर का महीना भी गुजर गया, अक्टूबर का महीना भी गुजर गया और नवंबर का महीना भी गुजर गया। मैं 30 नवंबर क्लोजिंग पे खड़ी हुई हूँ और मैं कह रही हूँ कि मैंने कोई एक्सेस पेमेंट ही नहीं रिसीव की हुई। जितने महीने गुजर गए हैं उतना महीना मैंने बेनिफिट भी दे दिया, जितनी पेमेंट रिसीव कर लिया, राइट? तो यानी कि नो अनअर्न रेंटल इनकम आप कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा सीधा क्लोज कर देंगे। कोई ट्रांसफर एंट्री पास करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? तो अब आपके पास 30 नवंबर 2015 पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी एसओसीआई की, वो पूरी की पूरी कितनी होगी? 1,950,000, ये आपका एज इट इज क्लोज हो जाएगा। और आप अनअर्न रेंटल इनकम को भी एज इट इज क्लोज कर देंगे, कोई कैरेट डाउन ही नहीं होगा। क्लोज तो करना है ना, इस तरह से हमें टोटल करते हुए तो दिखाना ही है, क्लोज तो करना है। चाहे तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर दें, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे 30 नवंबर 2015 को कैरेट डाउन दिखा दें, जीरो, है ना? क्योंकि कोई ट्रांसफर एंट्री नहीं हुई, आपका कोई अमाउंट ट्रांसफर ही नहीं हुआ अनअर्न इनकम के अकाउंट के अंदर, तो यानी कि कोई कैरेट डाउन भी नहीं है। जी, क्लियर हो गई बात? जवाद, मोहसिन, क्रिस्टल, क्लियर हो गया? अब एक काम ये करें, होमवर्क लिख लें कि इसी क्वेश्चन को पार्ट ए और पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए और पार्ट बी आपने सॉल्व करना है सिंगल अकाउंट मेथड से, फ्लो में, ठीक है? हो जाएगा? सही है मोहसिन, ठीक है? तो इंशाल्लाह इसको फिर कल हम कंटिन्यू करेंगे, आज यहीं तक रखते हैं। आप लोग रिवाइज कर लेना जितना भी है। अब इंशाल्लाह इतना टाइम अक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स पर लगेगा नहीं। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें मिक्स चीजें हैं, ठीक है?
और फिर हम इंशाल्लाह जो है अपने नए टॉपिक पर आ जाएंगे। तो इस हफ्ते ही बस हमें दो और क्लासेस हो सकते हैं, दो और क्लासेस में हम इन सब चीजों को कर लें। चार क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, तीन क्वेश्चंस हमारे रहते हैं। ठीक है, आप अभी मिड टर्म करके मुझे फिर ईमेल कर दें, मुझे व्हाट्सएप कर दें। सही है, गुड लक। चलें जी, कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ लें, अगर नहीं है तो इजाजत दें। ठीक है जी, चले इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं 9 बजे। ठीक है, कल भी 9 बजे। चले ठीक है, थैंक यू। कल इंशाल्लाह 9 बजे मिलते हैं, कल भी 9 से 11 क्लास रखते हैं, ताकि हमारा अक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स एज सून एज पॉसिबल हो जाए। कल थर्सडे, ऐसा ही है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। हाँ, आराम से अक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स खत्म करके हम हो सकता है नया टॉपिक भी शुरू कर दें। ठीक है, इन्वेंट्री का या डेप्रिसिएशन का। ठीक है जी, चलें जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।